इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब इसे इंतहा ना कही जाए तो क्या कहा जाए। कल भारत पाकिस्तान की मैच हुई जिसमें भारत हार गया, पर पाकिस्तान की जीत को भी कैसे हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है इसकी मिसाल सिर्फ भारत में ही देखी जा सकती है। अब इस हार का ठीकरा मोहम्मद शमी पर फोड़ा जा रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी को ही जिम्मेदार ठहराते हुए उसे गद्दार कहा जा रहा है। और ये महज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शमी मुसलमान है। कैसे धर्म को खेल में लिया जाता है और इसकी तरबियत संगियों को पहले से ही दी जा चुकी है। अच्छा है कि विराट कोहली ने पाकिस्तानी खिलाड़ी के कंधे पे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए पाकिस्तान की जीत पर मुबारकबाद दी। अगर ये भी कोई मुस्लिम खिलाड़ी होता तो शायद इस पर अलग बहस भारत में देखी जाती। कुछ लोग खेल में इस तरह धर्म को नहीं लाना चाहिए ऐसा कहते देखा तो जा रहा है, पर सोशल मीडिया पर शमी को लेकर गद्दार ठहराने का तूफान खड़ा किया गया। वैसे कुछ खिलाड़ियों ने इस संघीय विचारधारा की मजम्मत करते हुए शमी को गद्दार कहना ठीक नहीं है ऐसा कहा। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट के जरिए शमी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम को गलत कहा और शमी के साथ खड़े होने की बात भी कही। महज मुसलमान होने पर ही इस तरह ट्रोल किया जा रहा है ये भी सच है। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश कुमार, वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा में कोई भी अच्छी गेंदबाजी कर न सका, लेकिन भारत में भगवा ब्रिगेड का कहर इस कदर छाया हुआ है कि इल्जाम सिर्फ मोहम्मद शमी पर इसके मजहब की बुनियाद पर किया जाता है। अगर इसे इस तरह देखा जाए तो गलत ना होगा। कोहली, बुमराह, भुवनेश, जडेजा सभी को लेकर गुस्सा या नाराजगी है। अगर नफरत है तो मोहम्मद शमी से है। मेरा जाती मानना यही है कि इसके आगे भी कभी पाकिस्तान भारत मैच ही ना खिलाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि नफरती गिरोह इसके आर लेकर भारत में सरगर्म हो जाते हैं। वैसे भी अब हर मामले को सियासत या धर्म से जोड़ना आम बात बनती जा रही है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि शमी को ट्रोल किया जा रहा है तो इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये तो महज 2-4% ही है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि महज 2-4% नफरती गिरोह के लोग हैं तो बाकी 96% लोग इस बात पर खामोश क्यों है। हमें अफसोस नफरती गिरोह से नहीं है बल्कि नफरती गिरोह की हरकतों पर खामोश बैठने वाले तथाकथित सेक्युलर लोगों से एतराज है। ऐसा नहीं कि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी हुकूमत आई है तस्वीर ही बदलती जा रही है। कल के मैच में पूरे पाकिस्तान ने पूरे 11 खिलाड़ियों को हराया, पर ठीकरा सिर्फ मोहम्मद शमी पर फोड़ना घटिया सोचो फिक्र का मुजहरा ही कह सकते हैं। लेकिन इस बात को बड़े संजीदगी से समझने की जरूरत है कि दिगर सभी खिलाड़ी भी नाकाम हुए, लेकिन मोहम्मद शमी को ही ट्रोल करना साबित करता है कि किसी एक मखसूस मजहब को लेकर इस मुल्क में नफरत कितनी गहराई तक पहुंची हुई है। ऐसा नहीं कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को इसका इल्म नहीं रहता, बल्कि इन्हीं के इशारों पर ही तो मुल्क में नफरत की फिजाओं को बढ़ाया जाता है। खासकर कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार जो भारतीय नागरिकता छोड़कर कैनेडियन बन गया है इस मैच के वक्त मुस्कुरा रहा था। अमित शाह के बेटे जय शाह भी मौजूद था। मतलब भारत में हो रहे हर रद्द अमल का खाका कहीं तो तैयार होता रहता है। अब मोहम्मद शमी को उनके इंस्टाग्राम पर अकाउंट पर जाकर देशद्रोही, गद्दार और न जाने ऐसे अलकाब से नवाजा गया जिन्हें दोबारा कह भी नहीं सकते। आकर कौन है ये लोग, किसके कहने पर ये सब करते रहते हैं, किस आईटी सेल के हैं जो हजारों लाखों की तादाद में ट्रोल करते रहते हैं। क्या ये वाकई जहनी मानसिक बीमार लोग हैं या सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया जाता है। बेलगाम में भी कुछ लोगों ने हिंदू मुस्लिम फसाद की शक्ल देने की कोशिश इसी भारत पाकिस्तान मैच के दौरान की। चांदुगली के मस्जिद के नजदीक बोतलों को भी फेंका गया, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वक्त पर ही पुलिस पहुंची। मतलब एक गिरोह हर शहर, करियों, गांव में तैयार बैठा है जो जहां कहीं भी ऐसा मौका मिलता है माहौल को तशद्दुद में तब्दील कर देता है। दोनों तरफ की तैयारियां रहती है, अगर पाकिस्तान जीतता है तब भी और हारता है तब भी। हासिल तरह के मुताबिक कई शहरों में इस तरह की कोशिश की गई। हारते हैं तो मुसलमानों को पाकिस्तानी हिमायती कहकर निशाना बनाया जाता है, और अगर जीतते हैं तो जीत के जश्न के बहाने मुस्लिम इलाकों पर पथराव कर फसाद बरपा करने की कोशिश की जाती है। बेलगाम शहर में आपने भी देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान भारत की मैच होती है तो पुलिस इंतजामिया का बंदोबस्त बढ़ा दिया जाता है ताकि तनाव कायम ना हो पाए। सवाल तो ये भी उठता है कि मोहम्मद शमी के लिए टीम इंडिया आगे क्यों नहीं आ रही। आपने गौर किया होगा कि भारत पाकिस्तान मैच शुरू होने से पहले टीम इंडिया की टीम ने घुटनों पर बैठकर एहतजाज किया। आखिर क्या था यह एहतजाज? तो यह एहतजाज रेसिज्म के खिलाफ था, यानी जातिवाद के खिलाफ। इस बार इस वर्ल्ड कप में इस बात को महसूस किया जा रहा है कि किसी रंग, धर्म, नस्ल, जात पात के विरोध में एहतजाज किया गया ताकि यह दूरियां मिटा दी जाए।
और यही पैगाम दिया जा रहा है, वाजह रहे कि अमेरिका में ब्लैक लिव्स मैटर नाम की तहरीक छेड़ी गई है इसी रंग नस्ल भेद के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और भारत पाकिस्तान ने भी इस रेसिज्म के खिलाफ एहतजाज किया। जिस तरह भारत में जातिवाद सांप्रदायिकता बढ़ रही है, क्या इसके खिलाफ भी कोई एहतजाज होगा? सवाल तो भारतीय टीम से भी होना चाहिए। जब भारत की टीम के ही मोहम्मद शमी पर महज मुसलमान होने की बुनियाद पर गद्दार और देशद्रोही जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर ट्रोल किया जाता है, तो पूरे देश को मोहम्मद शमी के साथ खड़े होकर जो भी देशद्रोही ताकते मोहम्मद शमी जैसे असली देशभक्त पर और नफरत आमोज ट्वीट या सोशल मीडिया पर मजहबी तशद्दुद के कमेंट कर रहे हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई कर दुनिया भर में ऐसे नफरती गिरोहों का बायकॉट करना होगा। लिहाजा इस मामले को आसानी से न छोड़ते हुए मुल्क में बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ भी आलमी सतह पर बेदारी मुहिम चलाई जानी चाहिए, ताकि मौजूदा हुकूमत जो आसानी के साथ नफरत के एजेंडे के आड़ में आसानी से लोगों के जहनों को मुंतशिर कर इख्तदार हासिल कर रही है, आलमी दबाव के चलते और मुल्क की दुनिया भर में हो रही बदनामी से खुद आवाम सोचने पर मजबूर हो जाएगी और माशरे के मुल्क के आवाम के असल मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद शमी को महज मुसलमान होने की बुनियाद पर ट्रोल किया जा रहा है, आलमी सतह पर मुहिम छेड़कर फिरका परस्तों और संगियों को बेनकाब किया जाए। खिलाड़ी कभी जीतता है तो कभी हार जाता है और इसी का नाम खेल है और इसी को खेल कहते हैं, लेकिन इसके आड़ में नफरत का एजेंडा चलाकर सियासी मुफाद हासिल करने वाले गोबर भक्तों को सबक सिखाने के लिए मुखालिफ मुहिम भी चलानी होगी और इसके लिए खुद विराट कोहली की टीम को ही सबसे पहले आगे आकर अगली मैच में मोहम्मद शमी के हक में पूरी टीम फूटने पर बैठकर एहतजाज करे, जैसे ब्लैक लिव्स मैटर के लिए पूरी दुनिया में किया जा रहा है। आज फिर मराठी समाज की जानिब से इत्तेहाद का मुजारा करते हुए कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ इनकी जुल्म ज्यादती पर नारेबाजी कर कुव्वत का मुजारा किया। पिछले कई दिनों से आज के एहतजाजी जुलूस की इजाजत तलब की जा रही थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से इन्हें जुलूस की इजाजत नहीं दी, लिहाजा आज सुबह 11 बजे बोगारवेस चौरस्ते पर आखिर में इंतजामिया की इजाजत दी गई। कई जगहों पर पुलिस के साथ बहस भी करते देखा गया। बोगारवेस चन्नम्मा सर्कल कैंप सर्कल पर एहतजाजियों ने रास्ता रोको करने की कोशिश की, बारहा बहस भी पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान देखी गई। महाराष्ट्र में जाने की ख्वाहिश का भी इजहार नारेबाजी से किया जा रहा था, रहेंगे तो महाराष्ट्र में नहीं तो जेल में, इस तरह के नारेबाजी भी की गई। भगवे परचम लिया महाराष्ट्र एकीकरण समिति, शिवसेना और दिगर मराठी तंजीमों ने इसमें खुलकर शिरकत फरमाई। बेलगाम शहर और खानापुर से कई लोगों ने मुत्तहिद होकर आवाज उठाई। इनका कहना है कि मराठी आवाम पर हो रही ज्यादती को रोका जाए। बेलगाम कॉरपोरेशन के सामने लगाया हुआ कन्नड़ परचम अभी तक हटाया नहीं गया है। माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक कानून के तहत तमाम दस्तावेजों को मराठी में मुहैया कराया जाए, ऐसी कई मांगों को उन्होंने डीसी बेलगाम के सामने रखते हुए मराठियों पर हो रहे ज्यादतियों पर सख्त एतराज किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के शोबे खवातीन से भी ज्यादातर खवातीन जुलूस में शरीक होते देखा गया। आज का एहतजाजी जुलूस एक तरह से कामयाब ही रहा, एमईएस का जुलूस तवज्जो का मरकज बना हुआ था, लिहाजा इससे एक बार फिर मराठी माशरा मुत्तहिद होता नजर आ रहा है। पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो एक तरह की धीमी रफ्तार समिति के कयादत और नौजवान में देखी जा रही थी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी मराठी इत्तेहाद का मुजहरा देखा गया, लेकिन कॉर्पोरेशन चुनाव में एमईएस को महज 4 ही सीटों पर सिमट कर रखा गया। बहरहाल मराठियों की जानिब से एहतजाजी जुलूस एक तरह मराठी इत्तेहाद का मुजहरा ही कह सकते। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। हृदयातून बोला जय महाराष्ट्र, डोक्यातून बोला जय महाराष्ट्र, मेंदूतून बोला जय महाराष्ट्र, पाठीमागून बोला जय महाराष्ट्र, सक्तीकडून बोला जय महाराष्ट्र। बेळगाव कर्वे आणि पाणी विदर्भांकित संयुक्त या ठिकाणी सांगू इच्छितो
त्या लाल पिवळ्याच्या बाजूला जो हिंदूंचं आराध्य दैवत आम्ही समजतो, समस्त हिंदूंचा भगवा ध्वज जो मानानं तिथं फडकायला पाहिजे तो तिथं फडकवायला आम्हाला परवानगी द्या. जर तुम्ही परवानगी देत नसाल तर येत्या दीपावळीच्या अगोदर 3 तारखेपासून बेळगावातील प्रत्येक हिंदू मराठा, हिंदू मराठी हा आपापल्या घरावर भगवा ध्वज लावेल, आपापल्या गल्लीत भगवा ध्वज लावेल. ज्या 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 ठिकाणी सार्वजनिक स्थळ आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी भगवा ध्वज लावेल. आणि हा भगवा ध्वज समस्त आपल्या देशातील हिंदूंचा आहे. ज्यांच्यामुळं हिंदुत्व आज या देशामध्ये टिकून आहे त्या शिवाजी महाराजांचे आम्ही सर्व मराठी वंशज आहोत. हिंदुत्व कसं टिकवायचं यांनी आम्हाला सांगू नये. आणि त्यासाठीच हिंदुत्वाबद्दल तुम्हाला खरोखर प्रेम असेल तर 2 दिवसामध्ये त्या ठिकाणी लाल पिवळ्याच्या बाजूला भगवा फडकवायची परवानगी द्या किंवा तुम्ही फडकवा. घेता 64 वर्ष कायदेशीर मार्गाने लढतोय पण आम्हाला तुम्ही भाग पडताय की काहीतरी आमच्या हातून घडावं आणि तुम्ही आमचं हे आंदोलन चिरडावं. प्रत्येक वेळेला असं होणार नाही. आम्ही यावेळेला इशारा देतोय, आता जर मराठी माणसांची दखल तुम्ही घेतली नाही तर यापुढे मराठी भाषिक ज्याप्रमाणे 64 वर्ष लढलेत आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका आणि जर फुटला तर त्याच्या परिणामानं तुम्ही स्वतः जबाबदार असाल. आम्हाला याआधी कधीच काळा दिनाची परवानगी दिलेली नाही आणि मी काळा दिन साजरा करत नाही. मी केंद्र सरकारच्या विरोधात निषेध पाळतो आणि तो दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पाळणार. जोपर्यंत आम्हाला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत काळा दिन होत राहणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. बेलगाम पुलिस की आर अफसरों की जानिब से ऑटो स्टैंड पहुंचकर ऑटो ड्राइवरों में कानूनी बेदारी और पैसेंजर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें बेलगाम शहर के अहम और मरकजी ऑटो स्टैंड पर पहुंचकर रिक्शा ड्राइवरों से तबादले ख्याल किया गया. बेलगाम जिला पुलिस अफसरान भी इस वक्त मौजूद थे. बढ़ती जुर्म की वारदातों के मद्देनजर शहर के मुख्तलिफ जगहों का जायजा पुलिस की जानिब से लिया जा रहा है. शहर के 100 से भी ज्यादा लॉजिस में जाकर तफ्तीश की गई थी. इसी तरह ऑटो रिक्शा ऑटो स्टैंड में भी बेदारी मुहिम को चलाई जा रही. DCP विक्रम आमटे के जेर निगरानी मोहल्ले में भी आकर पुलिस मौकमा दाखिल होकर इनके मसाइल को आवाम के मसाइल को समझने की कोशिश की जाने वाली ताकि शहर के अंदरूनी इलाकों में भी बढ़ती जुर्म की वारदातों पर काबू पाया जाए. अजय का और इत्तेहाद ईसाइयों में भी देखा गया. हुबली में हिंदुत्ववादियों की जानिब से ईसाइयों पर हमले को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाजी जुलूस का एहतमाम किया गया था, जिसमें सैकड़ों ईसाइयों ने शिरकत फरमा कर अपने मुत्तहिद होने का मुजहरा किया. अपने मुतालबे में चर्च पर हो रहे फिरका परस्तों के हमले और मजहब तब्दीली का नया कानून भाजपा हुकूमत की जानिब से मंजूर करने के फैसले की सख्त मुखालफत करते हुए इसे मंजूर न करने की मांग की गई. यह एहतजाजी जुलूस गदक रोड सेंट पीटर चर्च से शुरू किया गया. हजारों की तादाद में धारवाड़ हुबली के ईसाइयों ने इसमें शिरकत फरमा कर भाजपा हुकूमत की मजम्मत करते हुए काली पट्टियां हाथों पर बांध रखी थी. ईसाई समाज किसी को भी लालच या जबरन मजहब तब्दीली करने पर मजबूर नहीं करता, लिहाजा झूठी कहानियों के जरिए भाजपा हुकूमत गैर जरूरी कानून को लेकर ईसाइयों को हिरासा करना चाहती है. लिहाजा ईसाई समाज पर जाति को बंद करे ऐसा भी कहा गया. इस वक्त ईसाई पास्टर पादरी चर्च के जिम्मेदारान और नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद रहे. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.